प्लीज ऑनेस्टली. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट टाइम अम्मी के हाथ का बनाया हुआ क्या खाया था? मुझे बड़ा अच्छा याद है. आपको याद है आपने क्या बनाया था कुलसुम के लिए लास्ट टाइम? टिंडे गोश्त. ओह यस ग्रेट. ओए होए अच्छा बनाती है टिंडे गोश्त. बहुत मजे का. मेरा फेवरेट है अम्मी के हाथ का. यार मतलब कुछ सोच सकता है टिंडे भी मजे के बन सकते हैं. बहुत मजे. वाओ बहुत मजेदार. हाँ भाई तानिया आपको याद है क्या बनाया था अम्मी ने? नहीं तानिया को तो याद है. आपको याद है क्या आपने तानिया ने? दो दिन पहले ही बनाया था. कैरेट सूप बनाया था. हाँ और मैंने वो बनाया था साथ में. क्या बनाया था? सैलड बनाया था उसका. आइसबर्ग और नूडल सैलड. थाई सैलड. बिल्कुल सही जवाब. हाँ भाई यहाँ याद है दानियाल ने हमें कुछ बताया है कि आपने उनके लिए कुछ बनाया था. वो क्या था? मैंने बनाया था जो उसे बहुत पसंद आया था कीमा. वो कौन सा वाला कीमा था? कुछ डिफरेंट कीमा है. बारबेक्यू वो जो स्मोकी वो जो कोयला डाल के. क्या भाई माँ बेटे अभी तक दम का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. दम का कीमा. आपको याद है आंटी की नादिया के लिए आपने लास्ट टाइम क्या पकाया था? ओ प्लीज बहुत जाती है. देखिए आप इट्स द अदर वे अराउंड. आई एम द मदर एंड शी इज द डॉटर. बट माशाल्लाह उधर जो है ना ऑल यू आर देयर विद योर चिल्ड्रन. दे आर स्टिल विद यू. सो इट्स अ बिग डिफरेंस. यार वो शादी होके चली गई. जी मेरी भी शादी होके चली गई. वो भी शादी होके चली गई भाई. मगर इनकी भी शादियां हो गई. नहीं मगर इतना ज्यादा मुझे नहीं रखती याद नहीं रखती. नहीं नहीं आप अपना दिमाग में वो नहीं करती. आगे बढ़ो. और क्या थोड़े से सोचें. आप तो खाना अच्छा पकाती है मैंने सुना. बारबेक्यू वगैरह कुछ किया था अगर मुझे थोड़ा उसका याद है तो. पता नहीं इसने क्या याद रखा हुआ है. इसने रखा हुआ है चिकन एंड व्हाइट सॉस. चिकन एंड व्हाइट सॉस बनाया. आई स्वेर आपको याद नहीं? नहीं मुझे खाना अब याद आ गया. आप पकाती कहा है तो याद आ गया है. मगर ये याद रखेगी ये अलग बात है. हाँ वही वो बनाया था. बिल्कुल याद है. आपके घर पे जो डिनर हुआ ईद का डिनर हुआ था. अच्छा हाँ काफी क्योंकि कोविड में हम लोगों ने इतनी ज्यादा मुलाकातें डिनर्स ये वो नहीं किए. सो ऑलमोस्ट 8 महीने तो हो ही गए हैं. अब याद रखो लेकिन प्लीज ईद का डिनर हुआ अम्मी के घर पे. ओके जी नेक्स्ट सवाल. लास्ट टाइम अम्मी के साथ किसके घर गई थी? आपको याद है कि कुलसुम आपके साथ लास्ट टाइम किसके घर गई थी? मेरी बहन के. ओह ग्रेट. खाला के घर गई थी. खाला के घर. हाँ तानिया ने बताया हमें किसके घर गई थी. आपको याद है कि लास्ट टाइम आप तानिया के साथ किसके घर गई? कोविड में वैसे तो बड़ा कम ही निकले हैं मगर हाँ हम लोग शायद मेरी एक दोस्त है शायद उनके घर. बिल्कुल सही जवाब. हाँ भाई कहाँ गए थे? आप बताए. चाची के घर गए थे. नहीं नहीं एक और मौका दे रही हूँ. रिश्तेदार नहीं है वो. आप देख लें. एक सेकंड सोच लें. कहाँ गए थे हम? फाइव अभी गए हैं थोड़े दिन पहले. टू डर जाओ. कहाँ गए थे हम? वन बस तो नादिया खान के घर गए थे आप लोग. नादिया को याद है आपको याद नहीं है? हाँ ना मतलब याददाश्त का थोड़ा सा नहीं मतलब नहीं वही वाली बात है आंटी की. क्या क्या याद है कंटेजियस. अच्छा अब आप बताएं आपको याद आया तो मुझे याद आया ये. अच्छा बताएं कहाँ गई थी आप इनके साथ? कहाँ गई थी लास्ट? आप इनके साथ लास्ट सलोन के अलावा किसके घर गई थी? किसी के घर गए थे. याद रखना पड़ता है. खाला के घर गई थी. आपकी बहन थी ना उनके घर गई थी. हाँ आप लोग मुझे सब पता है. एक दफा गए हो ना फिर बात है ना. कोई एक दफा गए हो ना. नहीं तो आखिरी दफा पूछ रही हूँ. आखिरी दफा लास्ट. ओके लास्ट टाइम आपने कौन सी मूवी या ड्रामा एक साथ जो देखा हो? जी एक साथ बैठ के देखा हो. मूवी या ड्रामा कोई भी चीज जो एक साथ बैठ के देखी. थिएटर मूवी ड्रामा कुछ भी. क्या पता देखा था ना. हाँ बैठ के दिखाया था ना. बैठ के दिखाया था ना. इन्हीं का कोई ड्रामा था शायद. बताएं वही भड़ास. बिल्कुल सही जवाब.
बिल्कुल सही बिठाया अम्मा अब्बा को जबरदस्ती दिखाना पड़ता है जबरदस्ती देखे हम अपने ड्रामे नहीं देखते इन्होंने कौन किया तो जबरदस्ती देखा से पूछना पड़ता जरूरी है हां भाई कौन सी चीज एक साथ बैठ के देखी थी आपको याद है तानिया के साथ हां कल ही देखा था हमने मेरा सोप जो चल रहा है भूल जाए दिल ओए होए होए सही जवाब आप लोगों ने एक साथ बैठ के क्या देखा था जरा बताए साहब एग्जैक्टली कल ही देखा है मैंने मेरी नंद में जो एंट्री हुई है तो मैंने कहा वो मेरी नंद में एंट्री हुई है तो तुम जरा आके देखो कोई कोई गलती या कोई सही जवाब यार ये बड़ा मजाक है एक ही फील्ड में आ गया ना तो बेटे इस उम्र में लिफ्ट ही नहीं कराते अपने में लगे होते गेम में उसमें लेकिन अब वो इस फील्ड में आ गए तो आप लोग बड़ी अच्छी गपशप रहेंगी हाँ जी याद है आप लेकिन सब परफॉर्मिंग मदर्स के साथ आपने मुझे बिठा दिया है बड़ी जाती है आप भी परफॉर्मिंग मदर हैं आप सलोन अगर आपके बगैर वो रन नहीं कर सकती नहीं नहीं वो वाली परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस है भाई जहाँ जो आपका काम अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ मैं मानती हूँ आपको तो क्या था लास्ट टाइम आप नादिया के साथ क्या आपने बैठ के देखा है घर में बाहर इकट्ठे कोई चीज देखी हो सैलॉन में ही कुछ इसने दिखाया नहीं सैलॉन में नहीं ये मैं आपको सैलॉन पे नहीं था सैलॉन पे नहीं था कहीं थी बकायदा वहाँ पे तो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चल रहा होता है ये भी पुरानी ही बात होगी नादिया क्यों ये भी पुरानी कोविड से पहले कोविड से पहले चले हाँ ये आपको टिप दे दी एक तो जीत पाए ना आप इतने सारे अंडे आ गए नहीं अब कोई इशू नहीं है अब कोई इशू नहीं है अब आंटी दिलेर हो गई है आप कौन सी फिल्म देखने गई थी सिनेमा गई थी आप नादिया के साथ नादिया कौन सी फिल्म थी मुझे भी नहीं याद वो याद नहीं लेकिन सिनेमा गई थी नहीं नहीं वो दैट एयरफोर्स फिल्म मैंने कहा तुम बेटा शेरदाद प्लीज आई वांट टू कॉल यू शेरदिल अगला सवाल लास्ट टाइम मम्मी के साथ शॉपिंग क्या की थी शॉपिंग मेरे साथ कपड़े उपड़े खरीदे थे लेकिन क्या थी अब कपड़े मैंने नहीं देखे क्या खरीदे बाजार शॉपिंग कपड़े उसने पता बोला है कि उसे बोला कपड़े नहीं थे कुछ और थी कॉस्मेटिक तो नहीं 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 मुझे याद अरे दाल चावल वो सब्जी मसाले ग्रोसरी की थी आपने मसाले मसाले बॉम्बे बिरयानी मसाले कैसे याद आप लोग क्या करने गए थे लास्ट लोग तो ज्यादातर कपड़े ही साथ खरीदे बिल्कुल सही जवाब हाँ भाई ये तो शॉपिंग खुद जाता है मेरे हाँ। साथ नहीं जाता जाता नहीं जाती नहीं है लड़का हो ना हाँ। क्या मैंने कहा तुम ले आओ कवर्ड से लेना मेरा काम है तुम ले आओ तो ये खुद जाता है शॉपिंग के लिए मतलब इस पूरे साल ने की नहीं नहीं ये हो सकता है पिछले साल कोई की थी पिछले साल इस साल भी आई थिंक हम एक दफा गए थे इस साल में मतलब अब साल की बात अंडा दे दे मैं खुद मैं हां और साल का तो क्योंकि साल के जनवरी में क्या साल पुरानी ये अच्छा आप बताइए इनके साथ शॉपिंग पे कहीं जाती हैं शॉपिंग नेवर ओ सही जवाब सही जवाब इस सेगमेंट की जो जीतने वाली माँ है वो है लैला ज़ुबैरी सही जवाब दिया आप नहीं वो लास्ट पे आया आपका वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटें अपने प्यारों के साथ पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत जी हाँ सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज मुल से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलत बाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप